कनाडा में एक मर्डर हुआ है। खालिस्तान आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए कनाडा में एक और खालिस्तानी गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुखा को विनिपेग में एक अज्ञात हमलावर ने गोली मारी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसी बीच एक फेसबुक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के समूह ने सुखदुल सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली। वहीं दूसरी ओर विनिपेग पुलिस ने घटना की पुष्टि की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गोलीबारी का विवरण साझा किया है। मेजर क्राइम यूनिट एल्डगेट रोड और गोबर्ड क्रिंसेट के क्षेत्र में गोलीबारी की घटना की जांच कर रही है। जिस किसी के पास भी जानकारी हो कृपया जांचकर्ताओं से संपर्क करें। ये अपने मोगा जिला का दुने के पिंड का रहने वाले हैं और ये काफ़ी समय से कनाडा में बाहर ने और मोस्टली इनकी परिवार में भी बाहर ने और ये हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ करीब 15-16 केसेस रजिस्टर्ड ने और ये काफ़ी आर्शदला के क्लोज रहता है और इन्होंने एक्सटार्शन और अटेम्प्ट मर्डर केस में भी ये काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं एंड ये इन्फॉर्मेशन सन्नू भी मिली है असी सीनियर ऑफिसर के नाल और बाकी महकमे नाल जड़ा इन्फॉर्मेशन मिली है ये ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने लिए और अगली कार्रवाई करने लिए असी सीनियर ऑफिसर तालमेल दे विच और जैसा भी इन्फॉर्मेशन आएगा फिर असी अगली कार्रवाई करेंगे। नहीं रेड नहीं अभी पता कर रहे हैं, अभी कुछ ऑफिशियल आना बाकी है। मेरी भी जानकारी उतनी है जितनी आपको जानकारी है कि कनाडा में एक मर्डर हुआ है। अब वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके बारे में अभी ऑफिशियल कुछ भी पता नहीं लगा। बता दें कि NIA ने 20 सितंबर को आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े कनाडा के 43 व्यक्तियों का विवरण जारी किया था, जिसमें सुखदुल सिंह को NIA ने आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची से वांछित किया था। इससे पहले जून में नामित खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप नज्जर की कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत कनाडा के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच सुखदुल सिंह की हत्या खालिस्तान समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका है। जस्टिन ट्रूडो द्वारा आतंकवादी निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाने के बाद कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया है।